देश के कई राज्यों में भारी बारिश की तबाही मची है। जम्मू से आसाम तक राज्यों में बारिश के बाद बाढ़ से हालत बेहद खराब है। सबसे पहले बात आसाम की। आसाम पर एक बार फिर आसमानी आफत टूटी है। बाढ़ की चपेट में आसाम के 5000 गांव आ चुके हैं। आसाम में बाढ़ से 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 50 लाख से ज्यादा की आबादी सीधे तौर पर प्रभावित है। जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है। यही नहीं, यातायात के साधन बंद हैं। हालात इतने खराब है कि कई जिलों का आपस में संपर्क टूट चुका है। कालबनी बारिश और बाढ़ से अब तक कई लोग बेघर हो गए हैं। असम में लोग जान हथेली पर रखकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं। कैमरे में कैद तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे सैलाब का सितम जारी है। और इस बीच लोग रस्सी के सहारे मंजिल तक पहुंच रहे हैं। असम में सेना और एनडीआरएफ राहत और बचाव में जुटी है। लाखों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर राहत शिविरों में भेजा जा चुका है। असम के ज्यादातर गांव दरिया और सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। असम के चिरांग, नांगाव, मोरी गांव से आई राहत और बचाव की तस्वीरों में सैलाब के बीच बड़ी संख्या में लोग फंसे हैं और उन्हें रस्सी के सहारे बाहर निकाला जा रहा है। जवान इन दिनों के लिए किसी देवदूत से कम नहीं है। चिरांग, नौगांव के साथ साथ मोरीगांव ही नहीं, आसाम के ज्यादातर जिलों में कमोबेश यही हाल है। बोंगोई गांव में घरों में पानी घुस चुका है। कई गांव ऐसे हैं जहां शायद ही कोई ऐसा घर बचा हो जहां पानी का कब्जा ना हो। लोगों के सामने सबसे बड़ी समस्या खाने पीने को लेकर है। आसाम में बाढ़ की बेहाली देखने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा ने नांगांव में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और लोगों को जल्द से जल्द सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाने के निर्देश दिए। आसाम के बाद आपको उड़ीसा की भी तस्वीरें दिखाते हैं। यहां मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया था, जो सही साबित हुआ। उड़ीसा के 13 जिलों में बारिश को लेकर भविष्यवाणी की गई थी। उड़ीसा के भुवनेश्वर में बारिश के बाद ट्रैफिक की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने 24 जून को 10 जिलों में और 30 जून को 9 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है, जिसको लेकर प्रशासन अलर्ट मोड में है।